मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, यह हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया। आप याद कीजिए, चार दशकों तक ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लंबे समय से मांग थी हमारे पूर्व सैनिकों की, इसे भी बराबर आश्वासन कांग्रेस की सरकारें देती रहीं, लेकिन हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का एक महत्वपूर्ण यह फैसला किया। जी हां सैनिक भाइयों, रक्षा मंत्री ने आसाम में अनाउंस किया है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दी है और अब इसमें कोई विसंगतियां नहीं है। कुछ लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे ऊपर वन रैंक वन पेंशन ना देने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, और रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है और 86 पैसा यह करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और यह तो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। जो वादे किए थे हमने अपने वादे को पूरा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले की सरकारें हुआ करती थी, वादे करती थी जब भी चुनाव का समय आता था, लेकिन आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा नहीं करती थी। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ऐसी है, जो हम कहते हैं वह करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम रंच मात्र कभी संकोच नहीं करते। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में ही कहा था, हम आएंगे, जो हम बोलेंगे वही करेंगे, हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। बीजेपी में या हमारी एनडीए में और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मैं कहता हूं एनडीए में और दूसरे लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं, हम जनता को भगवान मानते हैं। तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए केवल वोट हासिल करने के लिए। बराबर लंबे समय तक कांग्रेस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और मैं तो कहता हूं राजनीति किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी मजहब की मत करो, राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करो, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। भारत में दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अथवा किसी मंत्री के ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया होगा। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लंबे समय से मांग थी हमारे पूर्व सैनिकों की, इसे भी बराबर आश्वासन कांग्रेस की सरकारें देती रहीं, लेकिन हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का एक महत्वपूर्ण यह फैसला किया। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे सरकार के खजाने के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा।